तुम्हारा मुंह मीठा करना तो सबसे ज्यादा बनता है। लो। नहीं, इतने से तो काम नहीं चलेगा। और खाओ, खुशी की बात है। Congratulations. Thank you. तहनियत, अपना रूम नहीं दिखाओगी मुझे? हाँ, क्यों नहीं? आंटी, हम जाएं? हाँ, दिखा दो अपना कमरा, लेकिन आज से मुझे तुम आंटी नहीं, अम्मी कहोगी। कल की फ्लाइट से मैं और मुर्तजा इस्लामाबाद जा रहे हैं, और वहां से आगे किसी हिल स्टेशन पे जाएंगे। हनीमून? नाइस नाइस। तो हैव फन। So happy for you. तुमने रिंग पहन ली? थैंक यू। ना पहनती तो सब सवाल करते। तो सबके डर से पहनी? आपके इसरार पे पहनती तो मुझे भी खुशी होती। देखो तनिया, मेरा ख्याल है कि हमें इस इनकार और इसरार की तकरार से आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक ही कश्ती में सवार होने जा रहे हैं, एक ही मंजिल की तरफ रवाना। हमारे अपनों ने बड़ी खुशी से, बड़े मान से हमें इस सफर में रवाना किया, तो उनके इस मान का भरम रखना हमारा फर्ज है। तुम समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी। और तहनियत, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, और अगर बाद में जॉब करना चाहती हो तो मुझे कोई इतराज नहीं। इस घर में सबने तुम्हें बड़ी खुशी से वेलकम किया, तो प्लीज उनकी खुशी और इत्मीनान का ख्याल रखना। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखना मेरा फर्ज होगा। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट, इस घर में सबका ख्याल रखना, सबको पहली तरजीह देना। अब नीचे चलते हैं, मैं अम्मी और आपी की कुछ हेल्प करा देती हूँ। अम्मी, तहनियत ने आज दोबारा जॉब करने की ख्वाहिश का इजहार किया है मुझसे। चलो, अगर वो एक इजाफी जिम्मेदारी उठाना चाहती है तो कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि फिलहाल इसकी जरूरत है। खामखा अपने घर का चैन आराम छोड़कर क्या जरूरत है परेशानी उठाने की? पता नहीं क्यों, लेकिन तहनियत की इस ख्वाहिश के पीछे मुझे नूरुलैन का हाथ लगता है। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं कोई बदगुमानी नहीं करना चाहती, लेकिन तहनियत की अपनी सोच कम और नूरुलैन की ज्यादा है। हाँ, शक तो मुझे भी है। नूरुलैन के रवैये को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तो बस ये दुआ कर रही हूँ कि खुदा करे जल्द से जल्द मुर्तजा और तहनियत के दरमियान रिश्ता मजबूत हो जाए, ताकि हमारे दिल से ये वहम भी निकल जाए। कुछ झिझक महसूस कर रही हूँ मैं दोनों के दरमियान। तुम परेशान मत हो ताहिरा, देखो मियां बीवी का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। हाँ, बस अगर कोई समझौता करना चाहे तो उसकी जिंदगी बेहतरीन हो सकती है।
अम्मी तो आप कहें ना मुर्तजा से कि तहनियत को उसके शौक पूरे करने दे, ताकि उसको ये ना लगे कि हम उसे इस घर में कुर्बानी का बकरा बनाकर लेकर आए हैं। नहीं भाई ताहिरा, मैंने मुर्तजा को बहुत कुछ कह सुन लिया, अब और नहीं। वो तहनियत का शौहर है, उस पर हक रखता है, चाहे तो इजाजत दे दे। और अब भाई मैं तो समझती हूँ कि मियाँ बीवी के मामलात में जरूरत से ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं होती। कैसी जगह पे बुकिंग करवाई है आपके दोस्तों ने? अरे मुझे तो ऐसी जगहें बहुत पसंद है। आई लव इट। थक गई। जब जिंदगी में साथ चलने का वादा हो ना तो उस तरह थकते नहीं। वही तो जिंदगी में और भी बहुत से सफर तय करने हैं मोहतरमा। मैं थक गई। बस वो रहा हमारा होटल, थोड़ा सा और। आ जाओ, शाबाश। सॉरी, वो मेरे दोस्त मैं इसको क्लियर करता हूँ। रियली सॉरी अबाउट दिस। इट्स ओके, मैं कर लूंगी। व्यू अच्छा है वैसे यहाँ का। हाँ अच्छा है। नाइस होटल। अच्छा मुझे तो बहुत भूख लग रही है, तुम कुछ खाओगी? नहीं मुर्तजा, मैं एक्चुअली बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। श्योर। मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ तो बाहर एक राउंड लगा लूँगा। वापसी में कुछ खाने के लिए भी ले आऊँगा। ओके ठीक है। Sorry about this. कोई बात नहीं। वो आपके लिए जैकेट निकाल देती हूँ, शायद थोड़ी देर में ठंड हो जाए। Thanks. You're welcome. Thank you.
डर गए तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा पीछा? मजाक कर रही हो? मैं शादीशुदा मर्दों का पीछा नहीं करती, मेरी बुक में नहीं है। नूरुलैन मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ कर क्या रही हो? क्यों परेशान हो रहे हो? पहले तुम्हें ये बताओ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, फिर तुम ये पूछोगे कि मेरे ख्यालों में क्यों आती हो, फिर पूछोगे नूरुलैन तुम मेरे ख्वाबों में क्यों आती हो। अब किस किस चीज़ों की वजाहत दूँ तुम्हें? हाँ मजाक कर रही हूँ, बाबा ऑफिस के काम से आई हूँ अपने कलीग्स के साथ। तुम तो हनीमून पे नहीं आए हुए हो, अकेले क्यों घूम रहे हो? तहनियत थक गई थी, वो होटल में रेस्ट कर रही है। थक गई थी या तुम तन्हा चलना प्रेफर कर रहे हो? क्या सुनना चाह रही हो तुम? कह दूं सच? कह देता हूं, अगर मेरे कहने से सारे मसले हल हो जाते हैं तो। हाँ ये सच है नूरुलैन कि मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा, और ये भी सच है कि मेरी और तहनियत की शादी हो गई। हमारा कोई कनेक्शन बन नहीं रहा, जानता हूं कि वक्त लगेगा, लेकिन वक्त का क्या काम होता है नूरुलैन, सिर्फ गुजरना। नो कह दिया मैंने अपना सच, अब बाकी का सच तुम बताओ। अगर हिम्मत है तो I still love you.